मेरा नाम साइमा है और यहाँ पर हम सब यहाँ पर एफ ए क्वालिफायर हैं, तो हमारी डिमांड ये है कि एल जी साहब हमें एश्योरेंस दे, क्योंकि जो हमने इंटरनल सोर्स से हमें पता चला है कि दे आर गोइंग टू स्क्रैप द एफ ए रिव्यू, ठीक है। तो अब हमें एश्योरेंस चाहिए कि ऐसा ना हो, बल्कि हमारा जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है जिसका हम वेट कर रहे थे 1.5 महीने से, वो ये लोग रिलीज करें। अब हमें पता चला कि ये कुछ इन्होंने इंक्वायरी खुद ही बंद कमरे में की है, किसी को इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, ना फर्स्ट टॉपर को किया है, ना सेकंड टॉपर को किया है, ना कश्मीर की फर्स्ट टॉपर को इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, बस ऐसे ये लोग बोल रहे कि स्क्रैप करेंगे, जिसके हम खिलाफ हैं। हम लोगों ने 2 साल बंद कमरे में मेहनत की है, जो ये लोग इस वक्त स्क्रैप करके ज़ाया कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी डिमोटिवेटेड हो गए हैं। इनका ये जो है ना, इनका बहुत ही इजी होता है बोलना कि आप लोग दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करो, इतना आसान नहीं होता है प्रिपरेशन करना, उसके लिए खुद का अपना माइंड बनाना। बस हम ये बोल रहे हैं, अगर आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो 2 दिन में कंक्लूजन में मत आओ कि हम स्क्रैप करेंगे, फेयरली इन्वेस्टिगेट करो, फिल्टर आउट करो। CBI सिस्टम किसके लिए बिठाई आप लोग? CBI का काम ही होता है ऐसे इन्वेस्टिगेशन करना, फिर क्या काम है? सिर्फ ये लोग बोलते इतना आसान नहीं है, और सुबह से ये लोग हमें सरप्राइज कर रहे हैं, सुबह से हमें पुलिस हमारे पीछे पड़े हुए है, सिर्फ धमकियां देते रहते हैं कि हम FIR लॉज। आपकी डिमांड क्या है? डिमांड तो ये है, स्क्रैप मत कीजिए इस लिस्ट को, LG साहब हमें एश्योरेंस दे। एक ट्वीट चाहते हैं हम, कल सुबह से सिर्फ हम एक ट्वीट की मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं?